मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने अयोध्या मामले पर बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि कुछ नेता कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, जब हिंदू धर्म मुगलों के काल में 500 वर्षों तक खतरे में नहीं था तो आज हमारा धर्म कैसे खतरे में आ गया। हमारे प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू है तो इनके रहते आज हिंदू धर्म खतरे में है तो ये सब ढोंग है। उन्होंने कहा कि अजीब बात है, जब चुनाव आते हैं भगवान राम के मंदिर निर्माण की बातें कही जाती है, अयोध्या में राम मंदिर बने इससे किसी को कोई एतराज नहीं है, हम सब चाहते हैं लेकिन भगवान राम भी नहीं चाहेंगे कि किसी विवादास्पद स्थल पर राम का मंदिर बने। यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राम जी की इच्छा होगी तो बनेगा, राम मंदिर को विवादास्पद बनाना इन लोगों का लक्ष्य है।